आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए। शुक्रिया, हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब, आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। बैत कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे।